हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइस, आज बनाने जा रहे हैं रेम्योन्स, जो हैं कोरियन रेम्योन्स। तो इसे बनाते हैं, मैं बताती हूँ। ये है चीजी फ्लेवर, ये है सुपर स्पाइसी, ये है शिन रेम्योन्स और ये है किमची रेम्योन्स। ठीक है, तो किमची बना लेते हैं आज। एक्चुअली ये तो है बिल्कुल वेजिटेरियन, ये सुपर स्पाइसी, ये बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। नॉनवेज तो होता है, थोड़ा सा फ्लेवर आता है इसमें, बिल्कुल चीज का फ्लेवर है। बट कोरियंस बहुत ज्यादा मिर्ची खाते हैं, तो इसमें मिर्ची तो होती है और वो सोया सॉस में ज्यादातर सोया सॉस खाते हैं, तो सोया सॉस रहता है इसके मसाले में। अभी दिखाती जाती हूँ। और ये है किमची फ्लेवर, तो मैं आज बना लेती हूँ किमची, क्योंकि ये परसों ही मैंने खाया था, मेरा मन नहीं कर रहा आज खाने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनाना है। और देखिए, ये मैंने रख दिया है पतीला। पतीले में डाल देंगे 1 कप पानी, 1 कप बहुत पड़ेगा इसमें, और इसे थोड़ा उबलने देंगे, अच्छे से उबलने देंगे इसे, पानी को गर्म कर लेंगे बहुत अच्छे से। और देखो, जो ये पैकेट मैंने फाड़ा है ना, पैकेट मैंने कट कर लिया, इसके अंदर राउंड शेप में है। और इसके अंदर 2 मसाले के पैकेट आए हैं। ये तो है फ्लेक्स हैं, जो भी हर्ब्स के फ्लेक्स होते हैं वो है। और इसमें मसाला है इसका, जो सूप बनाने के लिए। और वैसे ज्यादातर इसके मसाले किमची में तो ऐसा आया है, वैसे इसके मसाले जो होते हैं ना, वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट टाइम तो दूसरा बनाएंगे तो आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। तो देखो, बॉईल हो रहा है पानी, गर्म हो चुका है। इसमें डाल देती हूँ मैं किमची, नहीं इसमें डाल देती हूँ मैं नूडल्स पहले, क्योंकि नूडल्स पकने में टाइम लगता है। देखो, बाहर तो ना लोग नूडल्स ऐसे ही खा लेते हैं, बट मुझे थोड़ा अच्छे से पके हुए ही अच्छे लगते हैं। ये देखो, ये राउंड शेप में आया है, बिल्कुल यिप्पी की तरह डाल दिया इसमें। उबलने देते हैं इसे अब। और नूडल्स भी ना इसके क्या फ्लेवर्ड होते हैं भाई, बहुत ही अच्छे फ्लेवर के नूडल्स होते हैं इसके। कभी ट्राई करना, अमेजोन वगैरह से मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट से। मैं तो अमेजोन से ही मंगाती हूँ, क्योंकि इंडिया में कम मिलते हैं और कौन जाए कोरियन स्टोर में लेने के लिए, इसलिए मैं अमेजोन से मंगा लेती हूँ। मंगा लिया करो ऐसे ही। देखिए, ये है इसका हाल, कुछ और सॉफ्ट होने जा रहे हैं ये। इसमें मैं डालूंगी गाजर, ये एक गाजर है मीडियम साइज का, और ये मीडियम साइज का एक प्याज है। एक्चुअली इसमें स्प्रिंग अनियन पड़ता है, बट स्प्रिंग अनियन मुझे मिला ही नहीं यार। इसमें ऐसे ही डाल देंगे, बस इसको उबालेंगे ताकि कच्चापन इसका चला जाए। उबल रहा है ये। और गई, साथ ही इसमें डाल देंगे मसाले, ये वाला मसाला डाल रहे हैं, हर्ब्स बाद में डालेंगे तो पूरा चले जाएगा ये। और इतनी मिर्ची होती है ना यार इसमें, बहुत ही मिर्ची होती है। चला गया ये पूरा, स्प्रिंग अनियन मिला नहीं, नहीं तो मैं डालती। और मुझे चीजी फ्लेवर पसंद है ज्यादा, इसीलिए मैं इसमें चीज ऊपर से डाल दूंगी यार। इसमें वैसे ना ऊपर से ऐसे ही अंडा फोड़ के डाल देते हैं, बट वो जो योग होता है वो वाटर में मिक्स हो जाता है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता जो सूप में मिक्स हो जाता है, इसलिए मैं या तो उबाल के डालती हूँ, मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, या फिर मैं उसका ऑमलेट बना के उसको बिल्कुल रैप करके और काट काट के डाल देती हूँ। आज उबाल के डाल रहे हैं, ये मैंने रख दिया उबालने के लिए। इसमें ये उबल रहा है, अंडे उबल रहे हैं इसमें। बहुत ज्यादा हैवी होने वाला है गाइज ये खाना आज। आज लंच में यही खाने वाली हूं मैं। और देखिए कितने अच्छे से उबल रहा है ये। और देखिए, हर्ब जो आती है ना वो ऐसी होती है, ये आप लोगों को दिख रही होंगी। इसे डाल देते हैं इसमें, ये अनियन, स्प्रिंग अनियन जो होता है, और जो गाजर वगैरह होता है उसको सुखा के, बस वही चीज है ये जो हम कच्चा डाल रहे हैं, और कुछ नहीं होता है। अनियन और वैसा वाइट अनियन भी होता है इसमें। टमाटर नहीं डालेंगे बस, और जो भी वेजिटेबल आपके पास है आप लोग डाल सकते हैं, मशरूम, पनीर वगैरह। पनीर की जगह टोफू डालिए,
टोफू ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है, और टोफू में ज़्यादा मात्रा में पनीर भी होता है, नहीं क्या बोलते हैं, प्रोटीन भी होता है, और टोफू में इसका टोफू का टेस्ट ना इसमें अच्छा भी आता है। और देखिए बन रहा है अभी, इसको सूपी सूपी बनाते हैं और थोड़ा सा इंडियन टच दे देते हैं इसमें, धनिया डाल देते हैं, ठीक, धनिया ऊपर से लंबा लंबा काट के डालेंगे। ये इसमें डल चुका है धनिया, और ये थोड़ा लंबा काटा है मैंने, थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है। बस अब रुक जाना है, इतना ही इसे पकाना है, और गैस कर देंगे हम बंद और इसे ढक देंगे जब तक कि हमारे अंडे उबल नहीं जाते। ये ढक के रख दिया है मैंने, इसे अब सर्व करने की तैयारी करते हैं। गाइस अपने जो रखे थे हमने अंडे वो तो बन चुके हैं, और अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसे कर लेते हैं सर्व। कैसे सर्व करना है इसे, चलो देखते हैं। पलट लिया है मैंने इसे इस वाले पॉट में, इसमें लिड है ऊपर से, तो इजी रहता है जो भी ऊपर से हम लोग गार्निश करते हैं तो वो अच्छे से मेल्ट होने के लिए इजी रहता है अगर लिड होती है तो। ढक्कन है इसमें, ये मैंने इसमें डाल दिए अंडे, काट के भी डाल सकते हैं ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हो आप लोग। मैंने काट के इसलिए डाला क्योंकि मुझे ना वो फिर उबला हुआ योग अच्छा लगता है, जो अंदर का योग होता है ना येलो येलो सा, वो जब सूप में मिल जाता है मुझे उसका टेस्ट पसंद है। और इसमें डाल रही हूँ मैं एक चीज़, एक डालती हूँ दो डालती हूँ देखती हूँ भी। देखो ये वाली चीज़ लेती हूँ मैं, अमूल की स्लाइस चीज़, मोज़रेला भी लेते हैं कुछ लोग, क्यूब भी लेते हैं, वो मेल्ट होने में मुझे दिक्कत लगता है इसलिए, और मोज़रेला का तो पराठा अच्छा बनता है, कभी बनाकर दिखाऊंगी। और ये वाली चीज़ मैं डाल लेती हूँ, देखो ये डाल दिया चीज़, और अब इसे ढक के रख देंगे, बिल्कुल लिड लगा दो इसमें, और इसे अब कम से कम 2 या फिर 3 मिनट के बाद खोलेंगे, ठीक है। देखो कुछ ऐसे बन के तैयार है ये, अब कितना सही पिघल गया है, इसको मिक्स करेंगे और खाएंगे। और गाइज अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, और बेल आइकन भी दबा दो यार, और लाइक शेयर कमेंट करना, और बताना मुझे कि आप लोगों ने ट्राई किया नहीं किया ये, और ट्राई किया तो आपको कैसा लगा, और अगर आप लोग ले ट्राई करते हैं खाते हैं तो मुझे बताना कैसा लगता है आपको। देखो इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे, एक ही चीज़ का पैकेट डाला है मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा यार, मैं अकेली खाने वाली हूँ इसे, कितना मस्त लग रहा है देखो, है ना। तो गाइस प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।